बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के नहायत सीनियर और पसंद किए जाने वाले अदाकार नोमान एजाज के बाद अब अदाकारा इफ़्फ़त उमर की मुतनाज़ा बयान की क्लिपी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने हंगामा सरबराह कर दिया है और सारिफिन सीख पा दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर अदाकारा इफ़्फ़त उमर का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसके बायस उन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि अदाकारा कह रही हैं कि अदाकार राहत काजमी मेरे वालिद का किरदार अदा कर रहे थे, मैंने उनके साथ बहुत चप्पियाँ डाली थी और मैं उनके साथ चप्पियाँ डालने के लिए रिटेक्स करवाती थी। इफ़्फ़त उमर ने मजीद कहा कि अगरचे राहत काजमी मेरे वालिद का किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन मैं अपना टर्क पूरा कर रही थी। क्लिप में देखा जा सकता है कि इफ़्फ़त उमर के इस बयान पर प्रोग्राम में मौजूद मेहमान कहकहे लगा रहे हैं। इफ़्फ़त उमर का शुमार उन अदाकारों में होता है जो मीटू मुहिम की हामी रही हैं, यही वजह है कि उनको इस बयान के बाद मनफी रद्द अमल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जब मारूफ मुसन्निफ खलील रहमान ने भी मीटू मुहिम के खिलाफ बयान दिया था, तो इफ़्फ़त उमर ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। ट्विटर पर टेलीविजन और फिल्म के मारूफ अदाकार नोमान एजाज के एक इंटरव्यू का क्लिप भी वायरल हुआ था। क्लिप में नोमान एजाज मेज़बान इफ़्फ़त उमर के साथ महज गुफ्तगू में देखा जा सकता है कि अगरचे पूरा प्रोग्राम तकरीबन 1 घंटे का था, ताहम मीडिया सोशल मीडिया पर गर्दश करने वाली 1.5 मिनट की क्लिप में दोनों अदाकार शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में कुछ शर्मनाक बातें करते हुए नजर आ रहे थे।